हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद काटात न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पुणे आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए और ये टॉपिक है जो वर्तमान में राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी निकली हुई उनके एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक हैं, उसके लिए हम एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए जो एक राजस्थान पुलिस के सिलेबस में नया जुड़ा हुआ टॉपिक हैं और उनसे एग्ज़ाम में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस की मेरिट बनाने में बड़े लाभदायक सिद्ध होंगे। जो स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को हल करेगा वो मेरिट में पहुँचेगा। बहुत अच्छा टॉपिक है और आपके लिए बहुत मोस्ट IMP टॉपिक हैं। और जो ये नया टॉपिक सिलेबस में जोड़ा गया, ये टॉपिक है महिला एवं बाल अपराध। कौन सा टॉपिक है? महिला एवं बाल अपराध। महिला एवं बाल अपराध। यानी महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ जो अपराध होते हैं उनके लिए हमारे कानून में क्या व्यवस्था कर रखी है, कौन से इनके लिए एक्ट पारित हुए हैं और कौन कौन सी ऐसी IPC की धाराएं हैं, उनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और हम जो पहला टॉपिक ले रहे हैं महिला एवं बाल अपराध में, हम महिलाओं से संबंधित पहला टॉपिक लेंगे और बाल अपराध से अलग से लेंगे। ध्यान रखें आप कौन सा लेंगे। पहले महिलाओं से संबंधित जो अपराध होते हैं, जैसे हम बात करें दहेज जो एक प्राचीन कुरीति हमारे देश के लिए, समाज के लिए, और अपहरण, कन्या भ्रूण हत्या, एसिड हमला, है ना, और महिलाओं के साथ हिंसा, तो ऐसी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो महिलाओं के साथ घटित होती रहती हैं। तो उनके लिए भारतीय जो कानून है उसके अंदर कुछ IPC की धाराएं और ऐसा अधिनियम एक्ट पारित हो रखे हैं, उनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हम महिला अपराध से रिलेटिव जो पहला टॉपिक ले रहे हैं उसमें हम अधिनियम पहले ले रहे हैं और अधिनियम में जो हम पहला अधिनियम जो ले रहे हैं वो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। कौन सा अधिनियम ले रहे हैं हम? दहेज प्रतिषेध अधिनियम। दहेज प्रतिषेध अधिनियम। हम बाल अपराध भी पढ़ेंगे लेकिन पहले हम महिलाओं से संबंधित अपराध ले रहे हैं। ध्यान रखें आप, देखो दहेज एक बड़ी सामाजिक कुरीति थी हमारे समाज के लिए। इसके लिए हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद एक एक्ट पारित हुआ था, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, जो 1961 में हुआ। कब हुआ? 1961 के अंदर। भाई क्वेश्चन सीधा सा बनता है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित हुआ कब होगा? 1961। अगर लागू कब हुआ तो उसकी डेट थोड़ी चेंज होगी, इसका हमें ध्यान रखना है। ये लागू जो होता है 1 जुलाई 1961 को दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू होता है। ध्यान रखें दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अब तक 2 बार संशोधन हो चुके हैं। कितने बार संशोधन हो चुके हैं भाई? 2 बार हो चुके हैं। एक तो हुआ 1984 और एक हुआ 1986। अब यहां से क्वेश्चन जो बनता हमें ध्यान रखना है। अब यहां संशोधन जो हो गया 1986 या 1984 में, तो आपको ये ध्यान रखना है कभी भी दहेज प्रतिषेध अधिनियम पूछा जाए आपको 1961 ही याद रखना, ना बल्कि 1986 याद रखना है। हाँ संशोधन हुआ है लेकिन आपको याद क्या रखना है? 1961। और लागू कब हुआ? 1 जुलाई 1961 के अंदर। आ गया समझ में आपके? अब देखो आप दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है इसको हम विस्तार से अगर हम पढ़ें तो इस अधिनियम के अंदर स्पेशली 10 धाराएं। कितनी धाराएं हैं? 10 धाराएं दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंदर हैं। कितनी धाराएं? 10 धाराएं। अब हम 10 धाराओं को तो पूरा पढ़ नहीं सकते, पढ़ने में पढ़ सकते हैं लेकिन हमें इन 10 धाराओं में कौन से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मुख्य तौर पे उन धाराओं को हम पढ़ेंगे। और अगर हम IPC की धारा की बात करें देश से रिलेटिव, तो 3 धाराओं को हमें ध्यान रखना है। IPC की धाराएं इन पे लागू होती हैं, हम इसको भी विस्तार से लेंगे। वो उन IPC की जो धाराएं हैं, एक तो है 304B। कौन सी? 304B जो IPC की धाराएं हैं,
जो सजा का जो प्रावधान करती है, एक 406 है, एक 498 ए है। हम इनको डिटेल से लेंगे इन 10 धाराओं को लेने के बाद, ठीक है ना। आप पूरी क्लास में बंधे रहना ताकि इन धाराओं के बारे में भी आपको जानकारी मिल सके। तो देखो आप, अब इन 10 धाराओं में कौन कौन सी धाराओं में क्या उल्लेखित है उसका हमें ध्यान रखना है। 10 धाराओं में मुख्य जो धाराएं पहली वह है सेकंड धारा नंबर 2 धारा को हमें ध्यान रखना है कि 2 नंबर धारा में देज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 क्या कहती है। धारा नंबर 2, धारा नंबर 2 देज को परिभाषित करती है। किसको परिभाषित करती है? देज को, यानी कि देज होता क्या है, इसकी परिभाषाएं इसमें उल्लेखित हैं, परिभाषित कर रही हैं देज होता क्या है। अरे बात समय, और इस परिभाषित रूप में जो ये लिखा हुआ है इस एक्ट में धारा नंबर 2 के अंदर, पहला है संपत्ति, क्या लिखा हुआ है? संपत्ति। अरे बात समय, संपत्ति के साथ मूल्यवान प्रतिभूति, क्या लिखा हुआ है? मूल्यवान प्रतिभूति। समझा कि संपत्ति और मूल्यवान प्रतिभूति ये 2 शब्द इसके अंदर लिखे हुए परिभाषा के रूप में, इसका अर्थ हमें आना बहुत जरूरी है। इसमें ध्यान रखना है विवाह का एक पक्षकार, क्या होता है इसमें? विवाह का एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को संपत्ति देना या देने के लिए सहमत होना, इसमें अभिभावक भी हो सकते हैं, इसमें रिश्तेदार भी हो सकते हैं। जो क्या करते हैं, जब शादी होती है तो शादी से पहले कुछ निश्चय कर लेते हैं कि इतनी संपत्ति आप दोगे, अरे बात समय, देज के रूप में यानी संपत्ति दोगे आप, या मूल्यवान प्रतिभूति शब्द का तो आपको ध्यान रखना खास तौर पे, ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे आपको, ध्यान रखें आप। मूल्यवान प्रतिभूति का मतलब होता है जैसे आप प्लॉट दे रहे हो, अरे बात समय भाई, यानी कि पैसे की जो इतनी पैसे नहीं दे रहे हैं और पैसे की जगह क्या दे रहे हैं? संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति दे रहे हैं, प्लॉट हो गया है या आपको रजिस्ट्री दे रहे हैं, अरे बात समय, रजिस्ट्री भी हो सकती है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या होता है, विवाह का विवाह समय यानी एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को देना या सहमत होना, दे भी दे सकते हैं या फिर दोनों सहमत हो गए फिर शादी करते हैं, सहमत होना। अब इसमें कौन हो सकते हैं? अभिभावक भी हो सकते हैं या रिश्तेदार भी हो सकते हैं। अब आपके दिमाग में आता होगा रिश्तेदार क्यों लिख रहे हैं, ठीक है ना भाई, हो सकता है अभिभावक नहीं है हर बात समय, तो रिश्तेदार भी उसमें संलग्न हो सकते हैं, तो अभिभावक भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं जो इस बात के लिए सहमत हो जाए या फिर दे दें। ये 2 बातों को ध्यान रखना, संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति। अब इसमें कुछ परिस्थितियां हैं उसका हमें ध्यान रखना है, 3 परिस्थितियों को आपको इसमें ध्यान रखना है। कितनी परिस्थितियों को? 3 परिस्थितियों को आपको ध्यान रखना है। ये क्या होता है, विवाह से पूर्व भी हो सकते हैं भाई, ये चीज़ विवाह नहीं हुआ से पहले भी दे सकते हैं या सहमत हो सकते हैं हर बात समय, या फिर विवाह हो रहा उस समय, या फिर ऐसी सहमति कर लें कि शादी के बाद दे देंगे। तो ये 3 परिस्थितियों को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, या तो शादी से पूर्व, या फिर शादी के समय, या फिर शादी के बाद। तो 3 परिस्थितियों को भी आपको केंद्रित करना है। अब एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश के अंदर कुछ छूट भी प्रदान कर रखी, देश के अंदर कुछ छूट भी प्रदान कर रखी किसी समाज विशेष के तहत। तो देखिए आप किन किन लोगों को छूट दे रखी, किस क्षेत्र में, देखिए आप इसमें मेहर की राशि छूट है, मेहर की राशि समझना, मेहर, मेहर की राशि को इसमें छूट प्रदान कर रखी है। अब मेहर होता क्या है, इसमें क्या होता है, शरीयत कानून या मुस्लिम लॉ कानून के तहत अगर हम बात करें,
उस समुदाय को मेहर की राशि की छूट प्रदान कर रखी है। आईएमपी ध्यान रखें आप, है ना, शरीयत कानून, मुस्लिम लॉ कानून की बात कर सकते हैं हम, शरीयत कानून। इसमें क्या होता है, जब मुस्लिम समुदाय में शादी होती है तो जो वर या वर के पिताजी वधु को जो राशि देते हैं मेहर की, उसको देज प्रतिषेध अधिनियम के तहत छूट प्रदान कर रखी है। ये देज का हिस्सा नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं, देश को परिभाषा के रूप में देज होता क्या है, देज होता क्या है, तो देज ये होता है, लेकिन मेहर की राशि को इसमें संलग्न नहीं कर रखा है। आएगा समय आपके। अब देखो और क्या छूट दे रखी है इसमें, तो देखिए और जो छूट दे रखी है, जब शादी होती है तो वर या वधू, वर या वधू इन दोनों को उपहार, अरबा समय जो उपहार दिए जाते हैं, भेंट दी जाती है, उपहार या भेंट कह सकते हैं हम, यह है देज का हिस्सा नहीं है, यह देज का हिस्सा नहीं है। अरबा समय भाई शादी होती है, रिश्तेदार आते हैं, रिश्तेदार कोई ना कोई उपहार देता है, या दोस्त होता है जिसको बुलाते हैं शादी में आते हैं, तो वो जो उपहार देते हैं, है ना, भेंट देते हैं, वो एक देज का हिस्सा नहीं है, वो आप ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो दो क्षेत्र को आपको छूट का ध्यान रखना है, मेहर की राशि देज का हिस्सा नहीं है, और शादी के वक्त चाहे वर हो चाहे वधु हो, उसको जो उपहार दिया जाता है वे देज का हिस्सा नहीं है। तो धारा नंबर दो आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी, इसमें परिभाषा है। अब हम नेक्स्ट धारा लेते हैं। अब हम जो आपको नेक्स्ट धारा जो बताते हैं वो आईएमपी है, और धारा कौन सी है, धारा नंबर तीन। कौन सी धारा है, धारा नंबर तीन। भाई धारा दो में क्या हो गया, देज को परिभाषित कर दिया गया कि देज होगा क्या। अब देखो इसके लिए धारा नंबर जो तीन क्या कहती है, देज लेने, देज लेने या देने के लिए दंड, देज लेने या देने के लिए दंड का प्रावधान कर रखा है। दंड का मतलब समझ गया आप, सजा का प्रावधान कर रखा है। अगर कोई देज लेता है या कोई देज देता है, या तो देज लेता है या कोई देता है, तो उसके लिए कुछ सजा का जो प्रावधान कर रखा है वो कौन सी धारा में आता है, धारा नंबर तीन में आता है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है स्पष्ट है, जो कोई भी देज लेगा या देगा या लेने या देने के लिए दुष्प्रेरण करेगा, दुष्प्रेरण शब्द को खासतौर पर आपको ध्यान रखना है, दुष्प्रेरण शब्द जो ये कहता है दिलाने की कोशिश करेगा, बीच हम कह सकते बीच वाला, हर बात समय दोनों में क्या कर रहा है, दोनों को मिला रहा है कि इतना देश तू देगा इतना ये देगा जो भी लेगा, तो ये बातें जो बीच में जो दिलाने की कोशिश करेगा वो भी इस देश अधिनियम के तहत धारा तीन के तहत सजा का हकदार होगा। आर्यवास समय वर पक्ष या वधु पक्ष की तरफ से है ही है, लेकिन कोई बंदा उनको दिलवाने की कर रहा है वो भी एक इसका हिस्सा है। तो देखिए आप, जो कोई भी देज लेगा या देज लेगा या देगा या दिलाने की कोशिश करेगा, इसको हम कह सकते हैं दुष्प्रेरण। क्या कह सकते हम, दुष्प्रेरण, इसका हमको ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिर भी आप ध्यान रखें, जो दिलाने की बीच में कोशिश करेगा वो भी इसका हकदार है, इसका हमें ध्यान रखना है। अब आती बात, सजा होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन कैसे होगी, कितने साल की होगी। हर बात समय कोई देज ज़्यादा मांग रहा है कोई कम देज मांग रहा है, तो सजा का कैसे क्या है, इसमें ध्यान रखें आप, सजा का जो प्रावधान है 5 वर्ष, सजा कितनी मिलेगी 5 साल,
सजा कितनी होगी? 5 साल तक, और जुर्माना कितना होगा? 15,000। जुर्माना 15,000 और सजा का प्रावधान कितना है? 5 साल है। एक चीज आपको साथ में ध्यान रखना है, 15,000 जुर्माना के साथ एक बात लिखी हुई है, और वो क्या है? हम कह सकते हैं या, है ना, क्या है? या न्यूनतम रकम। क्या लिखा हुआ है? न्यूनतम रकम दहेज की। कैसे? इस शब्द का अर्थ समझे आप। मान लो दहेज 15,000 जुर्माने से ज्यादा का है, है ना, दहेज 15,000 से ज्यादा का है, मान लो 1,00,000 का है, तो उसके ऊपर 1,00,000, यहां पे 15,000 ही जुर्माना हो रहा है और दहेज कितना उधर 1,00,000 का है। तो ध्यान रखे आप, इसमें ये बात स्पष्ट लिखी हुई है, दोनों में से जो ज्यादा होगा, न्यूनतम रकम दहेज की। अरे बात समय, इसको ध्यान रखना है। मान लो दहेज 15,000 से ज्यादा का है तो फिर क्या होगा? जो रकम है ये पूरी जुर्माने के रूप में होगी, ठीक है, और सजा वही 5 साल रहेगी। तो ध्यान रखें आप, दहेज लेने या दंड देने, अरे बात समय, इसका जो उल्लेख है वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा नंबर कौन से में उल्लेख है? धारा नंबर 3 में। कौन सी धारा है? धारा नंबर 3। अब लेते हैं हम नेक्स्ट, धारा 3 समझ में आ गई है और धारा 4 हम ले रहे हैं नेक्स्ट, है ना। कौन सी धारा ले रहे हैं? धारा नंबर 4 ले रहे हैं। धारा नंबर 4, हमेशा ध्यान रखना है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम की कौन सी धारा में ये उल्लेखित है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इसमें क्या है? दहेज मांगने के लिए दंड, दहेज मांगने के लिए दंड का प्रावधान। बात समझ रहे हो आप? उसमें तो दहेज देने या लेने के लिए समझौता जो हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है? दहेज मांगने के लिए दंड। मान लो हम शादी कर रहे हैं और अगले ने सीधी डिमांड कर दी कि मैं तो ये दहेज लूंगा, अरे बात समय, तो इसी चीज का जो प्रावधान है दंड का, वो कौन सी धारा में आ रहा है? धारा नंबर 4 में। इसमें जो लाइन लिखी हुई है वो ध्यान रखें, कोई भी विवाह के वक्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज मांगेगा, प्रत्यक्ष यानी सीधा और अप्रत्यक्ष रूप से यानी सीधा नहीं किसी के थ्रू, अगर वो दहेज मांगता है उसमें माता हो सकती है, पिता हो सकता है, अभिभावक हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, ये सभी एक दहेज का मांगने के हिस्सा है, यानी ये लोग मांगने वाले हैं तो वो सजा के हकदार हैं। और सजा भी इसमें ध्यान रखें 6 माह की है, है ना, या फिर 2 वर्ष तक की है, जुर्माना 10,000 रुपये होता है। ये बातें जो धारा नंबर 4 में आती है, देखिए आप इसमें क्या लिखा हुआ है, जो भी कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज मांगना, दहेज क्या होता आपको मैंने धारा नंबर 2 में बता दिया, ध्यान रखें आप, या तो संपत्ति हो सकती है, ध्यान रखें आप, या फिर प्लॉट रजिस्ट्री जो भी आपको उसमें शामिल होता है, ठीक है। अब इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष को ध्यान रखना, एक सीधा मांगना या किसी के थ्रू मांगना, अप्रत्यक्ष हो गया। अब इसमें कौन हो सकते हैं मांगने वाले? अपनी माता हो सकती है, पिताजी हो सकते हैं, है ना, ठीक है भाई, रिश्तेदार हो सकते हैं, ये सभी किसका हिस्सा हो जाएंगे? इसी का हिस्सा हो जाएंगे, आरवास में अभिभावक वगैरह जो भी हैं। अब इसमें क्या है, जब ऐसी स्थिति आती है तो इसके लिए धारा नंबर 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की कुछ सजा का प्रावधान भी करती है। सजा इसमें क्या है? छह माह से 2 वर्ष तक की, हर बात समय, और जुर्माना कितना इसमें? 10,000 रुपये। उसमें कितना था? 15,000 रुपये, और इसमें जुर्माना कितना है? 10,000 रुपये का है। आगे समय आपके,
ठीक है ना भाई। धारा तीन तो ये कह रही थी दहेज लेने या देने के लिए दंड, और धारा नंबर चार कह रही दहेज मांगने के लिए दंड, और धारा नंबर दो कह रही दहेज की परिभाषा। मेरे को पूरा विश्वास है तीन धाराएं आपको याद हो गई होगी। अब देखो आप इसमें धारा चार के अंदर धारा चार ए बी है, चार के अंदर धारा चार ए बी है और ये ज्यादा मोस्ट आईएमपी है, अरे बस में ज्यादा आईएमपी है धारा चार ए। अब आईएमपी क्यों है जो ध्यान रखें आप, इसमें लिखा हुआ है विज्ञापन, क्या लिखा हुआ भाई विज्ञापन की मनाही, विज्ञापन की मनाही। अब विज्ञापन क्या होता है इसमें, मान लो शादी करनी है और उसका विज्ञापन डाल दिया है कि भाई इतना देज लेंगे नहीं हम शादी करना है, और बात समय तो धारा चार ए स्पष्ट ये कहती है कि कोई भी प्रशासन के तहत या मीडिया के तहत यानी मीडिया में जो प्रकाशित होता है वो देज का विज्ञापन नहीं प्रकाशित होगा, अरे बात समय देज का विज्ञापन इसमें क्या होगा प्रकाशित नहीं होगा। अगर प्रकाशित ऐसा करते हैं तो इसमें 6 माह न्यूनतम सजा और अधिकतम 5 वर्ष तक है, और जुर्माना इसमें कितना है 15,000 रुपये, जुर्माना कितना है इसमें 15,000 रुपये। तो देखो आप इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें विज्ञापन की मनाही है, और विज्ञापन आप किसमें क्या नहीं दे सकते, देज का विज्ञापन नहीं दे सकते हैं, देज का विज्ञापन नहीं दे सकते हैं। अरे अखबार में देते हैं हम मीडिया के अंदर, हाँ शादी का दे सकते हैं भाई ये हमें वर वधु चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप साथ में लिख दें कि इतना दहेज भी चाहिए, अगर ऐसा लिख दिया तो क्या होगा सजा का हकदार होगा, वो मीडिया में प्रकाशित नहीं करवा सकते ऐसा, और इसके लिए सजा क्या है न्यूनतम क्या है 6 माह अरे बात समय, और अधिकतम कितनी है इसमें 5 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष अरबा समय, और इसमें जुर्माना कितना है 15,000 आ गया समय आपके, इसमें जुर्माना 15,000, इसमें जुर्माना 10,000, और अगली जो धारा थी उसमें जुर्माना कितना था 15,000 रुपये। तो धारा 4 ए भी आपको समझ में आ गई होगी विज्ञापन की इसमें क्या है मनाही है। अब टैक्स लेते हम धारा नंबर 6, बाकी ये धाराएं आपको समझ में आ गई होगी। धारा नंबर 6 क्या कहती हैं देखिए आप, धारा 6 टोटल 10 धाराएं थी इस अधिनियम में, हम मुख्य धाराएं ले रहे हैं। धारा नंबर 6 जो ये कहती हैं देज का हस्तानांतरण, क्या लिखा हुआ है देज का हस्तानांतरण, देज का हस्तांतरण ये कहती है धारा नंबर 6। अब इस धारा नंबर 6 में देज का हस्तानांतरण देज किस प्रकार से दिया जाएगा, कौन किसको देगा, कैसे देगा, इस परिस्थितियों की बातें इसमें जो लिखी हुई है धारा नंबर 6 में लिखी हुई में क्या लिखा हुआ है, देज विवाहिता की बजाय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है तो, यानी जिसकी शादी हो रही वधू की बजाय किसी अन्य व्यक्ति ने उस देज को प्राप्त किया है तो विवाह के 3 माह के भीतर विवाहिता को लौटाना होगा। समझे वापिस आप, अगर देज विवाहिता की बजाय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है तो विवाह के 3 माह के भीतर विवाहिता को लौटाना होगा। अगर विवाहिता नाबालिग हैं, अगर विवाहिता क्या है नाबालिग हैं तो बालिग होने के 3 माह के भीतर लौटाना होगा। समझ गए आप, और अगर विवाहिता की मृत्यु हो जाती है, अगर विवाहिता की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा संतान को देना होगा, ठीक है, और संतान भी नहीं है तो किसको देना पड़ेगा अभिभावक को देना पड़ेगा। तो ऐसी कुछ परिस्थितियां बनाई हुई इस अधिनियम के तहत धारा नंबर 6 में, और इसके लिए अगर टाइम पर नहीं देते हैं तो 6 माह या 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। देखिए आप इसमें क्या लिखा हुआ है, देज का हस्तानांतरण ये तो आपको ध्यान ही रखना है, इसमें यह होता है देज विवाहिता, देज विवाहिता की बजाय
अन्य व्यक्ति प्राप्त करता है और उसे 3 माह में लौटाना होता है। कितने माह में? 3 माह में। अगर अब ये तो बात हुई, यहां पर 3 माह में नहीं लौटाना, सजा है। मान लो शादी, क्योंकि एक बड़ी सामाजिक कुरीति हमारे देश के अंदर बाल विवाह भी हो जाता है। क्या हो जाता है? बाल विवाह हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में ध्यान रखा, अगर बालिक के विवाहिता क्या है, नाबालिक है, तो बालिक होने पर देना। आगे बात में, अगर नाबालिक है तो क्या है, बालिक जब होती है जब उसको देना है, और ठीक है, आ रही बात समय। और अगर मान लो विवाहिता की मृत्यु हो जाए, विवाहिता की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो फिर किसको देना है? संतान को देना है। और संतान नहीं है तो किसको दोगे? अभिभावक को देना है। ये परिस्थिति अभी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, हर बात समय, ठीक है। और यहाँ पे जो नाबालिग से बालिक हुई है, हर बात समय, यानी कि हमारे देश में न्यूनतम शादी की उम्र कितनी, 18 साल की है ना, बालिक हुई 18 साल की, तो ये 18 साल की जब होती है तो भी 3 माह का हमें ध्यान रखना, कम से कम 3 माह की यहाँ पे अवधि चलेगी जब तक आपको लौटाना पड़ेगा। आगे समय आपके, और ऐसा अगर आप नहीं करते हो तो इसके लिए सजा का जो प्रावधान है वो है न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 2 वर्ष। अधिकतम कितनी है? 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। मैंने आपको डिटेल से इसका समझाएगा, आपको समझ में आ जाए, लेकिन इसको तो आपको ध्यान रखना ही, हाईलाइट है ये, देज का हस्तांतरण का उल्लेख देज प्रतिषेध अधिनियम की कौन सी धारा में उल्लेखित है? तो धारा नंबर 6 में उल्लेखित है। कौन सी धारा में उल्लेखित है? धारा नंबर 6 में उल्लेखित है। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ले रहे हैं धारा नंबर 8 है ना, 6 समझ में आ गई होगी आपके। धारा नंबर 8 क्या कहती है देखिए आप, धारा नंबर 8, धारा नंबर 8 कहती है, इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत अपराध होगा वह, इस अधिनियम के तहत अपराध होगा वह संज्ञेय होगा। वे क्या होगा? वह संज्ञेय होगा, ए जमानतीय एवं असामान्य होगा, ए सामान्य होगा। अरबास में अगर कोई अपराध होता देज के तहत तो क्या होगा? वे संज्ञेय होगा, ए जमानती होगा और ए समनीय होगा। अरबास में ए समनीय, ए समानी लिख दिया मैंने, इसको ध्यान रखें, ए समनीय का मतलब होता है कोई समझौता नहीं होगा। अमन कहते हैं ना भाई राजीनामा नहीं होगा इसमें, ठीक है। और ये जमानतीय और न्यायालय द्वारा होगी, क्या होगी? जमानत न्यायालय के द्वारा निर्धारित होगी। तो ये बात जो लिखी हुई है वो कौन सी धारा में आती है? धारा नंबर 8 में आती है। आगे बात समय, अब देखिए आप धारा नंबर 8 बी, ये थोड़ा एमपी भाई ध्यान रखे आप, है ना, धारा नंबर 8 भी ये कहती हैं, देज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करती है। देज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करती है, और देज प्रतिषेध अधिकारी जो होगा हर डिस्ट्रिक्ट में होगा। कहाँ होगा? हर डिस्ट्रिक्ट में होगा। और हर डिस्ट्रिक्ट में होगा तो उनकी नियुक्ति कौन करेगा? वो राज्य सरकारें करेगी। नियुक्ति कौन करेगी? उस जिले में नियुक्ति करेगी, संबंधित जिले की राज्य सरकार उसकी नियुक्ति
करेगी। तो देश प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान कौन सी धारा में आता है? धारा नंबर 8B में। देश प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति, देश प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति, तो नियुक्ति कौन करेगी? देखिए आप ध्यान रखें, प्रत्येक जिले में राज्य सरकार नियुक्ति करेगी, राज्य सरकार नियुक्ति करेगी। आया समझ में आपके? तो धारा 8 ये कहती है इस अधिनियम के तहत अपराध होगा वह संज्ञेय होगा, ये जमानती होगा, ये समनीय होगा, अर्थात कोई समझौता राजीनामा नहीं होगा, और जमानत का जो अधिकार होगा वो सिर्फ किसका होगा? एक न्यायालय का होगा। जमानत का अधिकार किसका होगा? न्यायालय का होगा। और धारा नंबर 8B कहती है देज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करती है। देज प्रतिषेध अधिकारी होगा वो हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, और उसकी नियुक्ति कौन करती है? संबंधित जिले के राज्य सरकार करती है। आया समझ में आपके? अब देखो हम टोटल धारा जो बताई थी देज प्रतिषेध अधिनियम के तहत कि 10 धाराएं इसके अंदर विद्यमान है। कितनी धाराएं विद्यमान है? 10 धाराएं विद्यमान है। 10 हमें याद नहीं करनी है, मोटे तौर पे मैंने 6 धाराएं लमसम आपको समझाई हैं। इनको अगर आपने याद कर लिया है तो मेरे को विश्वास कि क्वेश्चन इससे आउट नहीं होगा। खास तौर पे ध्यान रखें, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन जो 6-7 जो धाराएं हमने समझी। तो देखिए आप, पहले तो ध्यान रखें देश प्रतिषेध अधिनियम कौन सा? 1961 है। इसमें 2 बार संशोधन हुआ, 1984 और 1986 में। और देश प्रतिषेध अधिनियम जो लागू हुआ वो 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ, और इसमें धारा कितनी है? 10 धाराएं। कितनी धाराएं? 10 धाराएं हैं। और 10 धाराओं में से हमने जो मोटे तौर पर जो धाराएं पढ़ी, नंबर धारा नंबर 2, धारा नंबर 2 क्या कहती है? परिभाषाएं, या परिभाषित कर सकते हम, यानी देश प्रतिषेध अधिनियम को क्या कर रहा है? परिभाषित कर रहा है, जिसमें क्या कर रहे हैं? एक तो संपत्ति की बात कर रहा है, और एक क्या है? मूल्यवान प्रतिभूति की बात कर रहा है, जिसमें प्लॉट रजिस्ट्री वगैरह सब आ सकते हैं। ये बात की थी हमने धारा नंबर 2 के अंदर कि देश होता क्या है, है ना, और उसमें हम मैंने मेहर की राशि और जो उपहार और भेंट देने की बात की थी वो देश का हिस्सा नहीं है, धारा नंबर 2 में हमने बताया था। और धारा नंबर तीन की ये कहती है देज लेने या देने के लिए दंड, है ना, अगर आप देज ले रहे हो या दे रहे हो उसके लिए क्या प्रावधान कर रखा है? दंड का प्रावधान कर रखा है। अरे बात समय। और धारा नंबर 4 क्या कह रही है? देज मांगने के लिए दंड। समझ रहे हैं आप? धारा नंबर 4 क्या कह रही है? देज मांगने के लिए दंड। अगर आप देज मांगोगे तो आपको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। और धारा नंबर 4A क्या कह रही है? विज्ञापन की मनाही। आप शादी कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि मीडिया के अंदर आप विज्ञापन जारी करें कि हम शादी करेंगे, वर या वधु की पक्ष दोनों की ओर से कोई भी कि इतनी देज होना चाहिए तो हम शादी करेंगे, तो ऐसा प्रावधान इस धारा के अंदर नहीं आता है। अरे बात समय। और धारा नंबर 6 क्या कह रही है? धारा 6 ये कहती है देज का हस्तांतरण। देज का क्या है? हस्तांतरण। अरे बात समय। धारा 6 कह रही देज का हस्तांतरण। और धारा 8 जो कह रही है इस अधिनियम के अपराध जो होगा संज्ञेय होगा और असमनीय होगा, इस चीज का हमें ध्यान रखें, और जमानती भी होगा। अपराध क्या होगा? संज्ञेय, जमानती और असमनीय होगा, ठीक है। और धारा 8B क्या कह रही है? देज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति,
28 में, यानी देश प्रतिषेध अधिकारी की जो नियुक्ति का प्रावधान करती है वो धारा नंबर 8 बी करती है। तो धारा 2, 3, 4, 4A, 6, 8, 8A इसका हमें ध्यान रखना है। आगे समय 8 बी कर दिया मैंने, यहाँ पर 8 क्या होगा, यहाँ ए होगा। क्लियर भाई, कोई किसी को दिक्कत है? अब हम क्या करेंगे, धाराएं पढ़ ली, अब हम इन धाराओं के अलावा आईपीसी की धाराएं क्या है उसके अकॉर्डिंग क्या इसके लिए प्रावधान कर रखा है, हम आईपीसी की धाराएं लेते हैं नेक्स्ट। क्या हम आईपीसी की धाराएं हम पढ़ रहे हैं, उससे पहले अभी जो मैंने आपको बता रहा हूँ 8A कर दिया था मैंने अभी जस्ट, है ना, ये 8B रहेगा बेटा, ध्यान रखना 8B। देश प्रतिषेध अधिकारी नियुक्ति का जो उल्लेख आता है कौन सी धारा में आता है, 8B के अंदर। तो आपके याद होगी होगी 2, 3, 4, 4A, 6, 8 और 8B। और अब हम ले रहे हैं आईपीसी की धाराएं, और देश प्रतिषेध अधिनियम में कितनी धाराएं थी, 10 धाराएं, और आईपीसी की धाराएं अलग है, ठीक है ना। तो आईपीसी की धाराओं का अगर हम बात करें, शुरुआत में मैंने बता दिया कि कौन कौन सी आईपीसी की धाराएं इससे ताल्लुकात रखती हैं उसका हमें ध्यान रखना है। कौन कौन सी रख रही हैं, 304, हर बात समय 304 हो गया, 304 क्या आएगी, बी। हम पहले 304 बी लेते हैं, 406 भी है, 498 ए भी हैं, तो लिख लेते हम साथ में 304 बी, 406 और 498 ए। भैया देश से संबंधित अधिनियम के अकॉर्डिंग जो कौन सी धाराएं आईपीसी की धाराएं ताल्लुकात रखती हैं, 304 बी, 406 और 498 ए। अब इनमें क्या क्या लिखा हुआ है, 400 बी में, 304 बी में क्या है, 406 में क्या, 498 ए में क्या है, और कौन कौन सी सजाएं इसमें का प्रावधान जो देखे आप। हम पहले लेते हैं 304 बी, इसमें क्या लिखा हुआ है, देज के दौरान मृत्यु हो जाए, देज के दौरान क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, अगर किसी विवाहिता की मृत्यु की 7 वर्ष की अवधि में अगर मृत्यु हो जाए, देज की क्या है, अगर किसी विवाहिता की मृत्यु विवाह की 7 वर्ष की अवधि में हो जाए, असामान्य परिस्थितियों में हो जाए, अभिभावक को यह लगना चाहिए कि उसकी मरने से पहले क्या की गई है, कुर्रता की गई है, तो उसके संबंधित जो धारा है वो 304 बी है। कौन सी धारा है, 304 बी है, और इस धारा के तहत जो सजा मिलती है वो कितनी मिलती है, 7 वर्ष से लेकर आजीवन तक, 7 वर्ष से लेकर कितनी, आजीवन तक। तो देखिए आप इसमें क्या लिखा हुआ है, देश के दौरान मृत्यु, है ना, देश के दौरान मृत्यु से संबंधित है। इसमें 3 बातें लिखी हुई, देश के दौरान मृत्यु से, भाई देश मांगने से मृत्यु हो रही, कहने का मतलब समझ रहे हो ना आप, इसे 3 बातें लिखी हुई हैं इसमें, अगर किसी विवाहिता की मृत्यु विवाह के पश्चात 7 वर्ष में हुई हो, मैं हुई हो, समझ गया आप, यानी अगर किसी विवाहिता की मृत्यु शादी हुए से 7 साल के अंदर हो, पहली परिस्थिति तो यह है। सेकंड परिस्थिति क्या है, ए सामान्य परिस्थितियों में हो, ए सामान्य परिस्थितियों में हो, यानी मार कूट की हो, है ना, ये सामान्य परिस्थितियां हैं, ठीक है। नंबर 3 क्या है, नंबर 3 ये कहता है अभिभावक को लगे कि उसके मरने से पहले कुर्ता की गई हो। आई आईपीसी की धारा 304 भी, इसमें क्या होता है, देज के दौरान मृत्यु हो जाए, यानी उससे देज मांगने से वो मर जाए, और क्या परिस्थिति, या तो उसकी जो शादी हो रही है ना, वो शादी के बाद 7 साल के अंदर ऐसी स्थिति मृत्यु हो, या फिर असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो, यानी देज मांगने के दौरान उसके साथ अत्याचार किया गया हो, या फिर मरने से पहले, यानी वो विवाहिता मर रही हैं और उनके पेरेंट्स को ऐसा लगे कि वो मरी उससे पहले उसके साथ
क्रूरता की हो उनकी फैमिली के द्वारा, अरे बात समय। तो ये बातें तीन परिस्थितियाँ इसको हमें ध्यान रखना है, ये 304 भी कहती है। और ऐसा अगर पाया जाता है तो क्या सजा का प्रावधान करते हैं इसमें, सजा कितनी होती है, सजा 7 वर्ष से लेकर आजीवन तक। आया समय आपने, तो ये धारा आपको ध्यान रखना है आईपीसी की 304 बी, जो देश के दौरान अगर किसी की मृत्यु हो जाए ऐसी परिस्थितियों में सजा का प्रावधान करता है। कोई है किसी को दिक्कत, आ गया होगा समझ में, मेरा पूरा विश्वास है धारा नंबर 304 बी आपके समझ में आ गई है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट धारा, कौन सी धारा लेते हैं, नेक्स्ट धारा 304 बी के बाद 406, कौन सी आएगी 406। क्या कहती देखिए आप, 406 धारा नंबर 406 कहती है आपराधिक न्यास भंग। क्या कहता है, आपराधिक न्यास भंग, आपराधिक न्यास भंग, आपराधिक न्यास भंग। इसमें क्या होता है, यदि देज का सामान, यदि देज का सामान ससुराल के पक्ष के जो लोग होते हैं वो अपने पास रखते हैं तो इस अपराध की श्रेणी में आता है। कौन आता है, ससुराल के पक्ष के लोग अगर देज को अपने पास रख लें, ससुराल के पक्ष देज को किसके पास रख लें, अपने पास रख लें, तो वो इस श्रेणी में आएगा। और इसमें सजा का जो प्रावधान है वो 3 साल है, कितने साल हैं, 3 साल हैं। तो देखिए आप, देज का सामान ससुराल पक्ष के लोग अपने पास रख लें। अब ससुराल के पक्ष में कोई भी हो सकता है ना, ससुर हो सकता है, सास हो सकती, जेठ हो सकते, दोराणी जेठाना जो भी होती है सभी इसके अंदर आते, उनके नाम नहीं लिखे हुए, ससुराल के पक्ष के सभी लोगों के बारे में ये बात लिखी हुई है। अगर ऐसा कोई करता है तो न्यायालय उसके लिए कितनी सजा का प्रावधान करता है, 3 वर्ष की सजा, कितने वर्ष की, 3 वर्ष की सजा। आया समय आपको, आईपीसी की धारा कौन सी 406 ये कहती हैं। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 498 ए कि 498 क्या कहती है, इसको समझे आप अच्छी तरह से। किसी स्त्री को या किसी जो विवाहिता को उसके पति, ससुराल, नातेदार, ससुराल में कौन हो गए, उसका पति हो सकता, सास ससुर सभी आगे वो फैमिली के अंदर जो होते हैं सदस्य है ना, नातेदार रिश्तेदार भी आ सकते हैं वहाँ पर, अगर उसको शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करें, समझे आप वापिस, किसी विवाहिता को उसके ससुराल के अंदर, फर्स्ट उसका पति या फिर उसके ससुराल के लोग जो उसमें सभी आगे, उसके सास ससुर जेठ वगैरह जितने भी फैमिली के अंदर सदस्य होते हैं वो सभी आगे, या फिर उसके नातेदार यानी रिश्तेदार, अगर उस विवाहिता को शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं तो उनके लिए धारा नंबर आईपीसी की 498 ए के तहत 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है, 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। आइए आपके समझ में क्या है, देखिए आप, किसी विवाहिता को ससुराल में पति है ना, कौन हो गए, पति हो गए, ससुराल के सभी सदस्य हो गए और नातेदार, अगर ये लोग क्या करें, शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हो,
तो ऐसी सिचुएशन में धारा आईपीसी की 498 उनके ऊपर लागू होती हैं और कितने साल की सजा करवाती हैं? 3 वर्ष। क्लियर? कोई है किसी को दिक्कत? 3 आईपीसी की धारा हमने पढ़ी है, 406 और 498 ए और 304। अब देखिए आप, मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको। ये आईपीसी की धाराएं हमने पढ़ी, दहेज प्रतिषेध अधिनियम हमने पढ़ा 1961। देखिए आप कि महिलाओं के साथ हमारे देश आज़ाद नहीं हो उससे पहले भी अत्याचार होते थे, और जब देश आज़ाद हुआ तो उन अत्याचार को रोकने के लिए अधिनियम एक्ट पारित हुए, आईपीसी की धाराएं लागू हुई। तो महिलाओं के साथ क्या होना नहीं चाहिए? अपराध नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ एक श्लोक, यत्र नार्यसत्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। वापिस सुन ले, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ क्या होता है? देवता निवास करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि नारियों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। अगर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो सामाजिक एक सबसे बड़ी कुरीति है, क्योंकि दहेज जौहर प्रथा पहले काफ़ी प्रचलित थी, भ्रूण हत्या, कन्या वध, अपहरण, एसिड हमला, है ना, लज्जा भंग, बलात्कार, आर्यवास में ऐसी काफ़ी अपराध जो वर्तमान में बढ़ते जा रहे हैं, और उनके लिए ऐसे प्रावधान किए गए। मेरा पूरा विश्वास है कि हमने महिला एवं बाल अपराध के अंदर जो पहला टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, बिल्कुल आपके ये समझ में आया होगा। और इस टॉपिक के अंदर हमने दहेज प्रतिषेध अधिनियम लिया 1961, इसी कड़ी में हम नेक्स्ट ऐसे अधिनियम लेकर आएंगे आगे, और आपको निरंतर क्लास अटेंड करनी है। हम निरंतर ये क्लास देते रहेंगे ताकि आपके जो 10 क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में आएंगे वो 10 के 10 आपके राइट हो जाए और आप एक राजस्थान पुलिस में सिपाही बन जाएं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा, और इन 10 क्वेश्चन के अलावा भी अदर क्लासें आपको उपलब्ध हो रही हैं उनको भी देखते रहें, लेकिन स्पेशली हम ये आपके लिए 10 क्लास लेकर आएँ। अगर ये क्लास आपको समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखें, ताकि हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम अच्छी से अच्छी क्लासें आपके लिए लेकर आएंगे। और अगर आपको निरंतर ये क्लासें लेते रहना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर भी आपको घंटी बजानी है, ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। और सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें, ताकि इसका फ़ायदा अदर परीक्षार्थी जो तैयारी कर रहे हैं उसको भी मिलता रहे। धन्यवाद।